सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के बंशीधर नगर से बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में शिव विवाह यानी महाशिवरात्रि का त्यौहार गुरुवार को शहर सहित ग्रामीण इलाकों में परंपरागत तरीके से भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर मनोवांछित फल की कामना की। इस अवसर पर राजा पहाड़ी मंदिर निर्माण समिति की ओर से महाभंडारे का आयोजन किया गया। रात्रि में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चना हवन व श्रृंगार के साथ साथ 12 घंटे का अखंड कीर्तन आयोजित किया गया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ के जय घोष के साथ आसपास के क्षेत्र भक्ति माँ के साथ बोल रहा है। राजा पहाड़ी मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर मांगी के मन्नती हर किसी की पूरी होती है। श्रद्धालुओं ने बताया कि अगले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष राजा पहाड़ी शिव मंदिर बड़ी खूबसूरत आकर्षण के साथ हरा भरा है, जो देखने में काफी खूबसूरत है। इस खूबसूरती के साथ लोग जहां सेल्फी लेते हैं, वहीं इस आकर्षण केंद्र को अपने मोबाइल फोन में कैद भी करते हैं। मौके पर मंदिर निर्माण कमेटी के सचिव नंदलाल रामचंद्र विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित थे। बंशीधर से शुभम जायसवाल की रिपोर्ट। रात्रि के दिन मंदिर में आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी भीड़ है। यहाँ का आकर्षण देखने से कैसा लग रहा है? काफी अच्छा है और लोगों में उत्साह भी नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं से, अभी नगर से। नगर से, मतलब घर कहाँ है आपका? हमारा घर गढ़वा से। गढ़वा से है। यहाँ पहली बार आई है कि कभी? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट बार है। कितना अच्छा लग रहा है ऊपर ऊंचाई देख कर? हाइट सही है, भीड़ भी अच्छी है, लोगों में उत्साह काफी है, सो अच्छा लग रहा है। इस वर्ष बहुत ज़्यादा आकर्षित है यहाँ, जो अगले वर्ष की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है और आगे भी यहाँ के जो सचिव हैं नंदलाल भैया, उनसे मेरी बात होती रहती है कि तन मन धन से लगे हुए हैं। इनका कहना है कि आगे भी मंदिर के लिए हम अच्छा से अच्छा व्यवस्था देंगे और यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं वो सही तरीके से अपना पूजा पाठ कर कर जाते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम मान के चलिए 200 किलोमीटर से आते हैं। आपका इधर यूपी हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, इधर कुछ बिहार से भी लोग आते हैं सोन पार करके। तो बहुत चर्चित यह राजा पहाड़ी है, शंकर भगवान का जो यहाँ मंदिर है बहुत चर्चित है और पहले के मुताबिक और चर्चित हो गया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी आए हुए श्रद्धालु भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन। राजा पहाड़ी शिव मंदिर श्री नर्मदेश्वर महादेव के प्रांगण में महाशिवरात्रि का पर्व महोत्सव जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी भक्त जो है सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक जलाभिषेक एवं अपने अपने मनोकामना को मांगते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कितने संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं? लगभग यहाँ संख्या जो है 11,000 से ऊपर की भीड़ हो जाती है। कितनी परेशानी होती है आपको ये पूजा पाठ करने में? कितने लोग परेशान होते हैं? परेशानी क्या है, बाबा का सब कृपा दृष्टि है, सभी लोग जो है भगवान पूजा पाठ करते हैं, सब भगवान की कृपा से हर कामना जो है। रुद्राभिषेक भी किया गया आज शाम को, जो है रुद्राभिषेक का प्रोग्राम रखा गया है। सुबह में भी जो है प्रधान न्यायाधीश योगेश्वर मणि त्रिपाठी जी के द्वारा जो है रुद्राभिषेक करके मेला का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कब से हो रहा है? ये कार्यक्रम जो है करीब 100 वर्ष से ऊपर का। और लोग हर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? लोग आपके कन्हर से, यूपी जो है, झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। उनके लिए जो पानी का व्यवस्था किया गया है, महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया है, सुरक्षा के लिए जो है थाना से भी कुछ फोर्स आए हैं, हमारे बुलेटिन भी जो है काम जो कर रहे हैं और यही सब व्यवस्था है। कितने संख्या की भीड़ लगती है आज के दिन? आज जो है मोटा मोटी मान लो 50,000 की भीड़ आएगा सुबह से शाम तक। कितने बजे से शुरू होता है भीड़? सुबह जो है 6 बजे से शुरू है जो शाम 7 बजे तक चलेगा, 8 बजे आरती होगा। आरती के बाद जो है 12 घंटे का अखंड रखे हैं हम लोग, महाप्रसाद का व्यवस्था है, शाम में जो है आपका भंडारा का जो आयोजन हम लोग रखे हैं। कितने सालों से ये होता रहता है? यह करीब तो है, ये तो सैकड़ों साल से ये जो है परंपरा जो है चल रहा है, जो आज तक हम लोग निभा रहे हैं।
प्रसाद ग्रहण कहाँ कहाँ के लोग करते हैं, कितने दूर दराज के लोग आते हैं? जो भी लोग आ रहे पूजा पाठ करने के लिए सबको हम लोग बांट रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं श्रद्धालु सबको प्रसाद मिल रहा है। महिला को पूजा पाठ करने में, महिला पुरुष को मंदिर में प्रवेश करने के लिए क्या व्यवस्था हुआ है? दोनों के लिए अलग अलग लाइन लगाए हम लोग, महिला के लिए महिला पुलिस का व्यवस्था है, हमारे वॉलंटियर भी जो है लगे हैं इसमें, किसी का जो है असुविधा न हो इसके लिए हम लोग पूरा व्यवस्था में लगे हैं। अगले साल का अपेक्षा इस वर्ष मंदिर को ज्यादा सजाया गया है, लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं इसमें? क्योंकि जो है कोरोना के चलते जो है पिछले साल एक साल से लोग का जो है आवागमन कम था, इसलिए जो है विशेष कर इस साल भीड़ भाड़ है।